नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के बेहट रोड पर गद्दे के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जहां फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि सहारनपुर नगर के बेहट रोड पर स्थित गद्दे के शोरूम में अचानक भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को दी। जहां मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर समय रहते काबू पा लिया। हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया। साथ ही क्षेत्र में लोगों ने तुरंत विद्युत विभाग को फोन कर विद्युत सप्लाई बंद कराई। क्या नाम है आपका, कहां मेरा नाम करते हो, क्या हुआ था? सर मेरा नाम लक्की कुमार है, मैं गद्दे बनाने की फैक्ट्री में काम करता हूँ सर। तो यहाँ पे ना सुलक्षण होती है जो चिपकाने वाली, हम गद्दे पे चिपका रहे थे सर, तो एकदम से ना सुलक्षण ने आग पकड़ ली। तो जो मेन मालिक थे, जो चार पांच लड़के थे, वो सब भाग चुके थे और हम दो लड़के अंदर फंस चुके थे। तो एक मतलब जो मेन शटर है सर, वहाँ पे आग लग चुकी थी सर, और एक पीछे बैकग्राउंड में आग लग चुकी थी सर। एक लड़का कोने में खड़ा हुआ था तो भाग नहीं पाया, और मैं था सीढ़ी पे सर, मैं थर्ड फ्लोर पे भाग गया, तो वहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिला मैं सर। फिर मैं सेकंड फ्लोर पे आया, फिर वहाँ से मैंने जंप मारी, मतलब ऊपर से कूद गया सर। फिर मैंने कूद के नीचे उतर के देखा तो क्या पूरी आग ऊपर तक लग चुकी थी सर। तो यहाँ पे आपको आग से बचने के लिए कोई वो नहीं दी जाती थी? नहीं सर, कुछ नहीं, आग से बचने के लिए कुछ नहीं होता था, मतलब सर फैक्ट्री थी, मतलब गत्ते बनाने के। कितने लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, और जो लास्ट वाला बंदा था जो फंसा रह गया था, यस सर, उसकी क्या स्थिति है फिलहाल? उसकी सर बहुत मतलब बुरी, मतलब बचने की उम्मीद ही नहीं है सर। कभी बच जाए तो बहुत मतलब बहुत बेकार है सर। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।